आपने बोला ऐसा कुछ है नहीं, फिर आप कुछ और बोलते हैं। आप तो खुद क्यों नहीं, आप कैसा क्या चाहते हैं? अगर आपको कानून बनाना है तो कानून ऐसे नहीं बनता कि मैंने तय कर लिया तो बन गया। दादी से इतनी मत मिलती ना, दादी मेरे जिंदगी देखी है तो उनको क्या ही डरा हुई उन्होंने कहा तुम लोग आओ हम नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा तुम लोग यहाँ आके बात करो। बात करते हैं जब आप जो है बात रिस्पेक्ट नहीं होती है, इज्जत देने की रिस्पेक्ट होती है। और कई बार मेरे ट्वीट पे लोग बोलते हैं कि आप जो है गृह मंत्री को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो मेरा वजह कहना है कि जब आपके लिए रिस्पेक्ट बची नहीं तो मैं कहाँ से करूँ। और इज्जत देना देने से आती है। आप अगर हमारे अपने देशवासियों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो दादी है आइए रिस्पेक्ट दीजिए। आप बात करिए, आप कौन से रिस्पेक्ट करेंगे? आपका कहना है कि शांति से वो शांति की भाषा उन्हें समझ नहीं आती, तो रास्ता क्या है? नहीं, वो ये गुंडे वाली भाषा उन्होंने तो सिखाई है सर। हर आदमी एक भाषा बोल रहे हैं, आदमी खुद अपनी स्पीच में बोलते हैं कि इसकी जोर से गर्म मारो तो वहाँ लगे। जब आपके मिनिस्टर बोलते हैं कि जैसे गद्दारों को गोली मारना, आपने तो भाषा सिखा रही है, आपने सबकी भाषा में से डेकोरम खत्म किया है, उनको आपको वापस नहीं मिलेगा। बात है की अगर जब बोलते हैं कि आप डेलीगेशन दीजिए, मैं बताऊंगा क्या कानून है। आपको मालूम है आप क्या कानून की बात कर रहे हैं? आपने तो पहले बोला क्रोनोलॉजी समझिए, फिर आपने बोला ऐसा कुछ है नहीं, फिर आप कुछ और बोलते हैं। आप तो खुद क्यों नहीं, आप कैसा क्या चाहते हैं? तो मेरी पहली बात यह है कि आप तो सबसे बात करनी है। आप होम मिनिस्टर है, इतने साल के लोग पहचान पूरी भेजते हैं, तो आपको अपनी सिक्योरिटी खड़े यही बहुत है। और जब तक सारे सवाल नहीं खत्म हो जाते बैठिए, हर सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी ऐसे नहीं होती थी, वो एक तरफा नहीं होती। यहाँ पे भी वो क्या करेंगे, बोलेंगे तुम चुप हो जाए, उनका मोनोलॉग चल हो जाएगा रटा रटा है। वो मोनोलॉग में हमें विश्वास नहीं रखते, हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, हमें मालूम मोनोलॉग कब लिखा जाता है एक्टर को अवार्ड दिलाने के लिए। आप चूंकि सरकार ने ऐसा ट्वीट किया गया था वहाँ के मीडिया एडवाइजर की तरफ से कि आपने वहाँ अप्लाई किया था सब्सिडी के लिए, नहीं मिली, इसलिए आप आक्रोशित हो गए और इस तरह वो लोग बहुत समय से कारण ढूंढ रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं पागल हो गया, उनको लगता है ऐसा क्यों बोल रहा है। तो बहुत सीधी सी बात है, एक सरकार की स्टेट पॉलिसी है, कोई भी बिल बनती है तो उस बिल के लिए एक सब्सिडी मिलती है, और वो वही सरकार है जो खुद हमको इनवाइट करती है। हम नहीं जाते उनके पास, वो इनवाइट करते, सरकार नहीं करती, वो पॉलिसी इनवाइट करती है। उस पॉलिसी ने मेरे को चेहरा बनाया था, तो यही सरकार है जिसने वही सांड की आपको टैक्स पे किया था। जब मैंने बोलना चालू किया तो हो गया कि, और उसका जो बेनिफिट मुझे नहीं मिलता, फिल्म के प्रोड्यूसर को मिलता है, क्योंकि फिल्म मेरे नाम पे है। एक फिल्म का प्रोड्यूसर रिलायंस है, एक प्रोड्यूसर आनंद रहा है, नुकसान उनका हुआ है जब वो सब्सिडी नहीं दे, ठीक है? तो उनको बिल फाड़ना है मेरे नाम पे, ताकि वो उनको लगता है वो मुझे डिस्क्रेडिट कर सके, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सजेशन देने वाले वकील हैं, सजेशन देने वाले बहुत सारे सहयोगी के लर्नर ढूंढ हैं जिनके साथ बैठेंगे,
उनको सबसे वो करेक्ट आदमी ढूंढना जरूरी है ना। अगर आपको कानून बनाना है तो कानून ऐसे नहीं बनता कि मैंने तय कर लिया तो बन गया। जो लोग समझते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, जो संविधान समझते हैं, जो राइट समझते हैं, उन वकीलों के साथ बैठेंगे आप, समझना चाहिए कि साथ कानून बनेगा जो सबके लिए बराबर होगा। वो कानून सिंगल आउट नहीं कर सकता किसी को, ठीक है। और जब तक आपने किया जनगणना हर 10 साल में होती है, सब कुछ होता है, वो सब सही है। और पहले आप जो है इस देश में क्या करना चाहते हैं, इस देश में इस हद तक करप्शन है, और ताकत करेगा आदमी को तुम्हारा बर्थ सर्ट। मैं जब सेंसर बोर्ड में पहला नैलानी से लड़ता था, वो ऐसे दिखाते थे उनका पंजाब का सर्टिफिकेट, ये है लेकिन नहीं दूंगा। वैसे ही बर्थ सर्टिफिकेट तो दिखाएगा लेकिन नहीं दूंगा। ऐसे कुछ भी आदमी आप एक गलत ताकत जो है दसियों लोगों के हाथ में दे रहे हैं, आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है, तो इंटेंशन नीचे तक क्लियर नहीं होगा। अनुराग यहाँ पर बात है, ये जो रोड है दिल्ली और नोएडा को जोड़ती है, जिसको लेकर के बहुत राजनीति हुई है, और ये बोला जाता है कि रोड को रोकने के कारण जो है यहाँ के जो लोग हैं वो खासे परेशान हैं। आपको क्या लगता है क्या रोड को रोकने के, मैं यहाँ पे चाहे कुछ भी बोलूँ चाहे कोई भी कुछ भी बोले, अक्सर क्या होता है कि बाहर वो जाता है जो नरेटिव ये बनाते हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट करने का हक हम सबका है और हम सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बाहर इतनी जगह मैंने आते हुए देखी है कि आराम से वो घोल करके आना जाना जो है हो सकता है। तिरसठ दिन से यह आंदोलन चल रहा है, अनुराग कश्यप को यहाँ आने में 63 दिन क्यों लगे? मैं 63 दिन इसलिए लगे मुझे यहाँ पे आने में, क्योंकि पहला एक तो मैं वहाँ पे काम कर रहा था, दूसरा मेरे आसपास के लोग मुझसे ज्यादा डरे हुए थे कि तुम जाओगे तो तुम्हें मार देंगे। पहले भी जब आना चाह रहा था किसी बात हो रही थी तो सब लोग बोले थे मत, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, एक पॉइंट पे हो गया। मैंने कहा चलो यार अब तो छोड़ो, अब तो जा सकते ना। और सिंपल सी बात है, सब कुछ नहीं, यहाँ पे आने के पीछे और कोई ना आने के पीछे और कोई कारण नहीं था, डर था। Anurag on your left, Anurag, since you have been speaking on this entire issue, you are very vocal on Twitter, you have been supporting the country, you go hard on HM also. We'll try to understand from you, Anurag, why don't you go and have a dialogue with the government of India, try and mediate this entire issue, Anurag. See, the first thing is that maybe your understanding, maybe your understanding, उनके साथ होनी चाहिए। एक
फिल्म मेकर के पास जाते हैं क्योंकि लोग मैं जानते हैं मेरा चेहरा तो इससे की बात को कहते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ दबाव क्या बात होगी आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई जो है काफी लंबी है अभी आप बोल रहे हैं लड़ाई लंबी है तो आपको लगता है कि डायलॉग शुरू होना चाहिए अब देर से आई है डायलॉग शुरू हो जाता है यहाँ पे बहुत समय से लोग बोल रहे हैं और डायलॉग तो उधर से शुरू होना आना पड़ेगा देखिए मैं हम लोग एक ऐसे समय में रह रहे हैं यहाँ पे जब प्रधानमंत्री ने भी कल भाषण दिया प्रधानमंत्री सुनते वो उन्हीं लोगों को सुनते हैं जो उनके इनर चेंबर में घूम रहे हैं और जो उनके कान में बोला जाता है अगर आपको आपको उससे बाहर आना पड़ेगा जानने के लिए लोग क्या कह रहे हैं उनके हर चीज में तो इतनी गलतियां निकलती है पता कि उनके आसपास के मिनिस्टर भी जो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं डेटा दे रहे हैं वही सब गलत है जब बजट भरा जाता है बजट पे डेटा कलेक्ट करता है मोदी ने जितना प्यार दिया पिछले चुनाव में उनको दिखता है लेकिन वो प्यार वापस भी तो करना पड़ता है ना इतना प्यार है आप इतनी सिक्योरिटी आप किससे डर रहे हैं आप आगे बैठ के बात कर रहे हो बात करने से डर रहे हैं कहना सिर्फ ये है कि कानून साफ तो नहीं बन सकता कानून तो आपने बना लिया अपने घर में कानून संसद में बनता है क्या कानून जो है पॉलिसी मेकर से बनता है आप तो तय करके सच्ची हमारे गले पीछे उतार रहे हो ना So you feel HM or anybody should come here and address the people? They have to come, they have to have a proper discussion. And directly address people, when they go there, and they go to vote, they go there and rally. So they can't talk about it. Let's see, नहीं उन्होंने जब डिनर पे बुलाया था लोग नहीं गए क्योंकि पिछली बार जब गए थे उनको रियलाइज हुआ उनको सबको इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया था पहली बार डिनर पे कोई नहीं गया नहीं नहीं जो पहले गए थे सेल्फी के लिए अनुराग जी होम मिनिस्टर ने अनुराग होम मिनिस्टर ने इंटरव्यू में बोला है दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कि हमारे मिनिस्टर्स का जो बयान था